हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे PCS 12 का जून 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी बता दिया है, और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सी एंड डी नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो सी है ना, वो प्रीवियस रिपीट क्या है जून 2022 में भी और दिसंबर 2020 में भी, ठीक है। और जनरली PCS 12 में ना 80-90% क्वेश्चन रिपीट ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए का ए नंबर भी और बी नंबर भी रिपीट ही किया था, देखिए 21 में और 22 में। और ये जो क्वेश्चन नंबर सी है, ये भी जून 2022 में रिपीट किया है, दिसंबर 2020 में रिपीट किया है। और 1 का डी नंबर भी जून 2020 में रिपीट किया है, ठीक है। तो मैं अभी आगे आप लोग को 1 का सी और डी नंबर बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन कहता है इफ़ 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, शो दैट दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और प्रीवियस में काफ़ी रिपीट करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ना इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों को सिर्फ दो फार्मूला को, मतलब सिंपल कह सकते हो, फार्मूला भी नहीं, दो बस बात को याद रखना है, ठीक है। एक ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है, फार्मूला है ये दोनों। और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको बस ये दो बात को याद रखना है, बाकी ये क्वेश्चन आपसे देखिए तुरंत बच जाएगा, ठीक है। ये 2 मिनट से भी कम में क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तो यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 माइनस ओमेगा का 10 पावर 10, 2 माइनस ओमेगा का पावर 11 इज इक्वल टू 49, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग को क्या करना है, जो भी ओमेगा क्यूब से बड़ा है ना, उसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का देखिए, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, और ये ओमेगा का पावर 10 है, यानी कि ये इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ये क्यूब से बड़ा है तो इसको सॉल्व करना है, और इसको भी ओमेगा 11 को भी। तो अब हम लोग ओमेगा 10 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा 10 को सॉल्व करने का मतलब, ओमेगा 10 को कैसे लिख सकते हैं, तो ये देखिए ओमेगा 10 को कैसे लिखेंगे, ओमेगा क्यूब का पावर क्यूब इंटू ओमेगा, है ना। ओमेगा क्यूब का पावर, इसको सॉल्व किसके फॉर्म में कर रहे हैं, ओमेगा क्यूब के फॉर्म में कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व कीजिए जिससे ओमेगा क्यूब से अंदर आए और उसके हिसाब से सॉल्व हो। तो हम लोग इस 10 को ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का पावर क्यूब इंटू ओमेगा। तो ये ओमेगा क्यूब इंटू क्यूब क्या हो गया, 3 इंटू 3, ये 9 हो गया, यानी कि ये 9 हो गया, ओमेगा 9 इंटू ओमेगा, और इसका पावर 1 है, तो ये हो गया ना ओमेगा 10। तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा 10 को इसके फॉर्म में। तो देखिए अब हम लोग ओमेगा क्यूब के फॉर्म में इसलिए लिखे ना, क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग बस सिंपली ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का पावर 3 इंटू ओमेगा। तो ये 1 का पावर 3 क्या हो गया, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा हो गया, यानी कि हम लोग क्यूब 10 को ना इस फॉर्म में ओमेगा के फॉर्म में तोड़ दिए, ठीक है। इसी तरह से हम लोग ओमेगा 11 को भी करेंगे। तो अगर ये 11 दिया हुआ है तो इसको भी ओमेगा क्यूब के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो पहले तो 3 इंटू 3, मतलब ओमेगा क्यूब का पावर क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब इंटू क्यूब हो गया ओमेगा 9, और ये ओमेगा स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 2 क्या हो गया, ओमेगा 11, है ना। तो हम लोग इसको ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में। अब बस सिंपली यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब का वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 पुट किए, 1 का पावर क्यूब क्यूब, और ये ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर, ये वन इंटू हो गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यानी 10 को भी हम लोग तोड़ दिए और 11 को भी तोड़ दिए। अब बस सिंपली इसमें पुट कर देंगे वैल्यू को, तो LHS को लिख दिया सेम इज एज इट इज़, 2 माइनस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, और ये 2 माइनस ओमेगा 10 की जगह पर हम लोग जो वैल्यू भी न्यू लाए हैं ओमेगा, उसको लिखेंगे 2 माइनस ओमेगा, और ये 2 माइनस 11 की जगह पे जो है उसको लिखेंगे यहाँ जो हम लोग सॉल्व करके लाए ओमेगा स्क्वायर, है ना। बस अब सिंपली इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे केस फॉर्म में। अब देखिए ये जो है 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस ओमेगा का स्क्वायर, है ना। कोई ये नहीं है, सिंपली अगर मान लीजिए आपके पास 2a इंटू a है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर, वही क्या 2 माइनस ओमेगा, हम लोग के पास 2 है तो वही कर दिया 2 माइनस ओमेगा का स्क्वायर। और ये देखिए 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 2 है हम लोग के पास, तो इसका भी हम लोग दोनों इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अब बस सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये दोनों में अगर मान लीजिए आगे आपके पास अगर ऐसा है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ए बी का होल स्क्वायर, तो वही हम लोग किए हैं। ये दोनों के पास स्क्वायर था तो इसको हम लोग एक होल स्क्वायर में लेके चले गए, 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, सिंपली अब इसको
वो वाले फॉर्म में करेंगे, यानी कि इसको इस टू को पहले इस पूरे के साथ, फिर इस डब्लू ओमेगा को इस पूरे के साथ। तो वही क्या है, इस टू को पहले टू माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ किए, यानी देखिए टू इंटू इस पूरे के साथ किए, इस टू को पूरे के साथ किए, टू माइनस ओमेगा का स्क्वायर माइनस, ये देखिए माइनस ओमेगा है ये, और इस माइनस ओमेगा को भी इस पूरे के साथ। तो वही किए ओमेगा को इस फिर से इस पूरे के साथ, टू माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर तो है ही। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये टू इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया टू इंटू टू ये फोर हो गया, माइनस का माइनस, ये टू इस ओमेगा स्क्वायर के साथ होगा तो टू ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी इस पूरे ओमेगा को इसके इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब बेसिक है, ये आप लोग को पहले ही से पता होगा, आप लोग खुद भी कर लोगे, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखिए इस ओमेगा को इस टू के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू ओमेगा माइनस, ये माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस रहेगा। अब ये देखिए माइनस ओमेगा को इस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ करना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, ओमेगा का क्यूब, और ये ऊपर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर है ही। ठीक है, फिर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस दोनों के बीच में कुछ कॉमन आएगा, देखिए कुछ आ रहा है कॉमन, हाँ दोनों में टू कॉमन है, तो ये फोर को तो एज इट इज़ लिखेंगे, फोर माइनस इस दोनों में से कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा टू माइनस टू कॉमन निकलेगा, है ना। देखिए माइनस टू कॉमन निकला तो अंदर इसमें क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर, और अगर माइनस टू कॉमन निकल गया तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस, तो ये प्लस का प्लस रहेगा, और इसमें क्या बचा ओमेगा, क्योंकि टू तो माइनस टू तो बाहर आ चुका है, और ये ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू तो मैंने बताया था आपको क्या होता है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू वन, तो बस वही वन पुट कर दिए। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ओमेगा ये सेम रहेगा, फोर माइनस टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का माइनस वन। आप पूछोगे कैसे माइनस वन, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना ये फॉर्मूला, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो मैंने वही लिखा है, देखिए वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये अगर हम लोग इसको इस तरफ रखेंगे और ये वन इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, हम लोग के पास भी देखिए यही था ना ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहीं पर हम लोग इसको भी कर दिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सेम ही बात है, और ये प्लस वन इधर आके आ गया माइनस वन, इसलिए मैंने बोला था ये करने। ये फॉर्मूला याद रखो कि इससे आप लोग का सब कुछ निकल सकता है। हम लोग अगर हम लोग को ये दोनों चाहिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो वन को इधर लेके चलेंगे माइनस वन हो जाएगा, कुछ और चाहिए होगा, जनरली यही चाहिए होता है। ठीक है, ओमेगा यही रहेगा और माइनस वन आ जाएगा वैल्यू, एक ही टाइप का क्वेश्चन ही रहता है, इसमें ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, ये सेम ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट करता है, मैंने प्रीवियस भी बताया आप लोग को। तो बस ये ओमेगा स्क्वायर का हम लोग का यहाँ से वैल्यू आ गया, इस फॉर्मूला से वैल्यू आ गया माइनस वन, और ये सेम एट इजिट इधर ये सब लोग। आगे इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मल सॉल्व, ये माइनस टू इंटू टू होगी माइनस वन हो गया प्लस टू, है ना, माइनस माइनस कर जाएगा टू हो जाएगा, प्लस वन का वन क्या हो गया फोर, प्लस टू प्लस वन सेवन, ये मैंने आगे यहाँ पे सॉल्व किया, नीचे लिखिएगा आप, तो ये हो गया सेवन का स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर क्या होता है फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन हम लोग को यही सॉल्व करना था, देखिए आर एच एस हो गया, यही सॉल्व करना था, इसको करो 49 के बराबर, हम लोग आ गया लास्ट में 49, 49 इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड, है ना, आप लोग लास्ट में लिख दिया हेंस प्रूव। तो यही था क्वेश्चन, काफ़ी इजी, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखिए सिंपली बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन का डी, ये क्वेश्चन भी ना जून 2022 में रिपीट किया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कितने सारे क्वेश्चन रिपीट ही करते रहते हैं, तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर को करके जाओगे तो कितना आसान रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहता है शो दैट वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर वी इंटू ए इज अ परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए इंटू वी माइनस बी इंटू ए फॉर एनी टू नॉन ज़ीरो ए एंड वी। ठीक है, ये सब ना वेक्टर वेक्टर है, तो मैं आप लोगों को ना बार बार वेक्टर वेक्टर करके नहीं बोलूँगा, मैं ए और बी करके यहाँ पे आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो हम लोग के पास दो दिया हुआ है इसको अज्यूम कर लेंगे, ये इस एक को इसको पहले को पी कर लेंगे, यानी इस पूरे को पी। ठीक है, और इसको इस पूरे को क्यू कर लेंगे, वेक्टर क्यू वेक्टर पी, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। ठीक है, मैं पी क्यू करके बात करूँगा। तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अज्यूमिंग एंगल बिटवीन पी एंड क्यू बी थीटा। ठीक है, हम लोग को देखिए यहाँ पे क्या बोला है, शो करना है कि ये परपेंडिकुलर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एंगल माने हैं इस थीटा। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो
तो क्या करेंगे, पी इंटू क्यू करेंगे। ये प्रोसेस है बनाने का, ठीक है, आप लोग बस इसको फॉलो कीजिएगा, प्रोसेस को एकदम प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से, बेसिक मतलब ये पूरा ऐसा बनाने का ये प्रोसेस है ऐसा समझिए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिए, अज्यूम कर लिए एंगल बिटवीन पी एंड क्यू का क्या है, थीटा। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे पी और क्यू को, तो बस पी का वैल्यू पूरा लिख दिए यहाँ पे, क्यू का वैल्यू यहाँ पे लिख दिए। अब बस सिंपली मल्टीप्लाई करना है, कैसा मल्टीप्लाई, जो हम लोग इतनी देर से करते आ रहे हैं, इसको इस पूरे के साथ, ठीक है, फिर इस पूरे को इसके साथ, है ना, सिंपली हम लोग जो हमेशा से करते आ रहे हैं। तो मैंने बस वही लिखा है, देखिए इस पूरे को यानी कि इसको ए वेक्टर मॉड्यूल को इस मतलब इस पूरे को ए इंटू बी को इस पूरे के साथ, है ना। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे मॉड्यूलो ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मॉड्यूलो बी वेक्टर ए वेक्टर, ये जो है सेम एट इज इट। फिर यहाँ पे ये प्लस इस पूरे को फिर इस पूरे के साथ, है ना, तो वही लिखे हैं, ये जो वेक्टर ए बी इंटू ए यहाँ पे हो गया, इसको पूरे के साथ कर दिया ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए, सेम एज इट इज़, ठीक है। अब बस आप देखिए लिख दिए, अब इस ये जो है इसको इस पूरे ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, और ये वाला जो है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बस वही किए हम लोग, तो देखिए ये मॉड्यूल ए इंटू यहाँ पर देखिए ये मॉड्यूल इसके साथ हो जाएगा, तो हम लोग जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड्यूल ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी मॉड्यूल ए यहाँ पे भी है, तो देखिए वही क्या मॉड्यूल ए का होल स्क्वायर, और ये बी इस बी के साथ हो जाएगा, यानी कि बी का बी होल स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन रहेगा, फिर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, सिंपली आपको पता है, ये देखिए ये इसके साथ है, ब्रैकेट में अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा ये बाहर वाला, तो वही किए हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मॉड्यूलो ए और मॉड्यूलो बी हो जाएगा, है ना, देखिए मॉड्यूलो ए मॉड्यूलो बी, और ये बी और ये ए जो है ये इनटू हो जाएगा, तो बी और ए, ठीक है। अब ये इधर वाला हो गया शॉर्ट, अब हम लोग को इसके तरफ ध्यान देना है, यानी कि ये जो है इसको इस अंदर वाले के सभी के साथ इनटू करना है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, ये मॉड्यूलो बी इसके साथ इनटू होगा पूरे के साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी इनटू ए लिखते तो मैंने ए इनटू बी लिख लिया, बात तो सेम ही है, है ना, मॉड्यूलो ए इंटू मॉड्यूलो बी, और ये जो ए है इसके साथ हो जाएगा, तो ए इंटू बी, है ना, माइनस का माइनस, फिर ये इस पूरे के साथ होगा, इसके साथ होगा, तो देखिए यहाँ पे मॉड्यूलो बी, यहाँ पे भी मॉड्यूलो बी है, तो यानी कि मॉड्यूलो बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो ये भी हो गया ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो होता है ना, मान लीजिए वेक्टर बी का होल स्क्वायर, आप उसको क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलो बी का भी होल स्क्वायर, यानी कि मान लीजिए अगर कोई वैल्यू दिया है एक्स का होल स्क्वायर, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो मॉड्यूलो एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर। तो मैंने भी वही किया है यहाँ पे, बस आपको ये बेसिक सिंपल सा ये एक चीज़ को याद करना है, बाकी आप लोग से बन जाएगा। तो ये एज इट इज़ रहेगा, और ये बी को कैसे लिख देंगे, मॉड्यूलो बी का होल स्क्वायर माइनस, ये सेम रहेगा मॉड्यूलो ए मॉड्यूलो बी, ए इंटू बी है बी इंटू ए है, बात तो सेम ही है, मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर यही मॉड्यूलो ए मॉड्यूलो बी, ये ए इंटू बी सेम एज इट इज़। फिर यहाँ पे भी माइनस का माइनस, ये मॉड्यूलो बी का तो रहेगा, यहाँ पे भी देखिए फिर वही फार्मूला, वेक्टर ए का होल स्क्वायर है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, मॉड्यूलो ए वेक्टर का भी होल स्क्वायर, है ना। तो बस वही क्या है, आप देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस माइनस है, देखिए मॉड्यूलो ए इंटू मॉड्यूलो बी इंटू बी इंटू ए, ये और ये दोनों सेम है, देखिए मॉड्यूलो ए मॉड्यूलो बी मॉड्यूलो बी मॉड्यूलो बी, ए और बी सेम सेम है, प्लस माइनस माइनस है, कट गया ये दोनों, और ये दोनों भी सेम है, देखिए ए इंटू बी हो या बी इंटू ए, सब बात तो सेम ही है ना, ये तो सिंपल बात है आप लोग का। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस कट गया, लास्ट में हम लोग का ज़ीरो आ गया, यानी कि हम लोग जो निकाले यहाँ पे पी इंटू क्यू, ये देखिए ये एक फार्मूला होता है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर शो करना था, उसके लिए ये एक फार्मूला होगा, पी इंटू क्यू इज इक्वल टू मॉड्यूलो पी इंटू मॉड्यूलो क्यू बाई कॉस थीटा, मतलब इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग का ये पी इंटू क्यू का वैल्यू क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, यानी इस पूरे का वैल्यू भी ज़ीरो आ गया। तो इस हिसाब से कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू भी ज़ीरो हो गया, है ना, अगर ये पूरा ही ज़ीरो है तो कॉस थीटा भी तो ज़ीरो ही होगा। तो वही किया नेक्स्ट लाइन में, कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो, और कॉस थीटा ज़ीरो कब होता है, 90 पे होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कॉस थीटा ज़ीरो कब होता है वैल्यू,
थीटा का वैल्यू जब 90 रहता है तब वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर दिया, परपेंडिकुलर प्रूफ करना था और हम लोग का थीटा का वैल्यू भी 90 आ गया, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो बस वही लिख देंगे, देयरफॉर ये इज़ परपेंडिकुलर टू दिस, लास्ट में प्रॉब्लम ये वाला लिख दीजिए, हो गया, ठीक है। तो सिंपल था एकदम कैलकुलेशन, बस ऐसा वाला ही कैलकुलेशन है जैसे आप लोग को ये आना चाहिए, बस ए और बी प्लस सी। इसको कैसे आप कैलकुलेट इनटू करोगे, तो पहले ए को इसके साथ किए, फिर ए को इसके साथ किए, वही चीज़ है यहाँ पे भी, बस हल्का सा आपको ध्यान देना है, हो गया सॉल्व। बस ये मॉड्यूलो लिखने उखने में हल्का सा बस आपको ध्यान देंगे, एकदम सिंपल सा था, एकदम हार्ड कुछ नहीं था, तुरंत बन गया, देखिए कट कट। वो तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना टाइम लिया, अदरवाइज आप लोग खुद से बनाओगे तो कितना जल्दी बना लोगे, है ना। बस वही था, देयरफॉर ये हो गया। और यहाँ पे ये पी इंटू क्यू का देखिए, हम लोग आप हल्का सा यहाँ पे अगर आप सोच रहे होंगे कि ये ज़ीरो कैसे हो गया, तो यहाँ पे हम लोग अभी निकाले हैं ना, पी इंटू क्यू क्या आया है, ज़ीरो आया है, है ना। पी इंटू क्यू हम लोग का ज़ीरो आ गया है। और देखिए पी इंटू क्यू का ये इक्वल टू होता है इसके, तो ये भी तो ज़ीरो हो गया ना, ये इक्वल टू ज़ीरो हो गया, इसलिए ये ज़ीरो हुआ, यानी कॉस थीटा का वैल्यू भी ज़ीरो हुआ। कॉस थीटा का वैल्यू ज़ीरो कब होता है, तो 90 पे होता है, तो हम लोग प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।